कोरोना के कहर से जहां सभी उम्र के लोग परेशान हैं, वहीं लोग छोटे बच्चे को लेकर भी चिंतित हैं। क्या सच में छोटे बच्चों को कोरोना से ज्यादा खतरा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भागलपुर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम के मुकुल सर मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी बधाई हो कि आप मेरे यहाँ आप आए। मेरे तरफ से आपका वेलकम। सर, सवाल है कि छोटे बच्चों को क्या कोरोना से ज़्यादा खतरा है जो बॉर्न बेबी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरली होता है क्या है कि एक्सट्रीम ऑफ द एज जो है, जो इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है, तो वैसे चांसेस ज़्यादा होता है जो एज ज़्यादा होता है, जैसे खास करके 60 से ज़्यादा एज है, या फिर जो कम एज है, जो 2 साल से नीचे बच्चे में होता है, उसमें चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल बीच में जो एवरेज रिस्क है सबको, उसके सबके लिए वैसा ही है। सर, एक सवाल ये है कि छोटे बच्चे जो हैं, बॉर्न बेबी हैं, उनकी देखभाल में जैसे कपड़े बार बार बदलना, या तो फिर घर के जो लोग हैं उन चिक पुल करना, क्या ये सब चीज़ खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे और लोगों के लिए कोरोना का ट्रांसमिशन का मोड है, ठीक वही सेम इसमें भी है कि हम आप कहीं टच कर रहे हैं, आँख कहीं से टच किए रफ सर, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन को या उसके एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं और आँख अपने आँख को नाक को मुंह को टच कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। उसी तरह बच्चे में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बच्चे में चांसेस कम हो जाता है इन्फेक्शन का, इसलिए कि वो आउटडोर एक्टिविटी नहीं होता है, वो एक रूम में आप एक घर में आप रखे रहते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बाहर घर से बाहर आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं वो लोग, तो चांसेस उसमें ज़्यादा होता है, एक्सपोजर का चांसेस उसमें ज़्यादा होता है। और छोटे बच्चे को लोग लेकर ट्रेवल भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसमें चांसेस, ये भी एक कारण है कि छोटे बच्चे में नहीं मिलता है कोरोना का। सर, सवाल ये है कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए छोटे बच्चे जिनके घर में हैं, जो बॉर्न बेबी हैं, उनको लेकर कितनी सावधानी बरतनी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी वही है जो बड़े के लिए है, आप सब आप बाहर लेके मत निकलिए, ज़रूरत ना हो तो बच्चे को लेके बाहर मत निकलिए। और इवन उसको बच्चे को बचाना है तो बड़े भी आपको सावधानी बरतना होगा कि आप कहीं जाके उस कोरोना को आप लेके अपने घर में नहीं लेके आ जाइए, क्योंकि अगर आप उसको लेके आते हैं स्वाभाविक है, घर में अगर इन्वायरमेंट में आपका वो रन कर रहा है वायरस, तो न्यू बॉर्न में भी वो चला जाएगा। जहाँ तक साफ़ सुथरे के रहने की बात है, तो उसको अननेसेसरी कोई भी आए तो टच नहीं करना है। बाहर से आप आ रहे हैं तो पूरा अपना कपड़ा चेंज कर लें, पूरा एडल्ट जो भी हैं वो चेंज करके दूसरा फ्रेश होकर के फिर तब आएँ, तो वो भी अननेसेसरी टच ना करें। जो उनके केयर टेकर हैं, सिर्फ जैसे मदर है या उनके घर में और भी जो हैं, जो उनका केयर करते हैं बस, उसके अलावा ये नहीं कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं आपके गोद में लेके उसको खिलाना चाह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी टच नहीं करना है, ये एक है। सर, क्या माँ को भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि माँ के जो लक्षण है वो बच्चे से मैच करते हैं, तो क्या माँ को, जो बॉर्न बेबी है, माँ को सावधानी बरतने की जरूरत? बिल्कुल, डेफिनेटली माँ को परेशान, मतलब ये प्रोटेक्शन लेने से बच्चे में, चूँकि वो 24 आवर रहती हैं बच्चे के साथ, तो ये चांसेस होता है कि अगर मदर को हुआ तो डेफिनेट है कि बेबी को भी हो जाएगा, तो मदर को तो लेना ही लेना है। बल्कि जैसे बाहर जाना ही नहीं है, कोशिश कीजिए कि आप ज़रूरत ना हो तो नहीं जाना है, नहीं इवन रिलेशन रिश्तेदार कहीं भी, और पब्लिक प्लेस में तो और भी नहीं, जहाँ पे कि मॉब हो, जहाँ पे बहुत सारा भीड़ हो, तो ऐसे जगह पे आप अवॉइड कीजिए, बल्कि ना निकलिए, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। सर, मौसम परिवर्तन के वजह से भी बच्चों में, खास बड़ों में भी ऐसा होता है, लेकिन खासकर छोटे बच्चों में तो ये अक्सर हो ही जाता है कि जब मौसम परिवर्तन होता है उसके लक्षण से जुखाम या खांसी या फिर सर्दी, ऐसे क्या वो कोरोना से लक्षण से मिलता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे इसमें फीवर, कफ, कोल्ड है ना, रनिंग नोज, ये कॉमन सिम्टम है कोरोना का भी, और ये जो कॉमन फ्लू है ये सेम है। डिफरेंस यही है कि इसमें कि आपका हिस्ट्री उसमें मिलना चाहिए, कि वो जो जिसको आप सोच रहे हैं कि कोरोना है उसका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मीन्स कि वैसे या तो बाहर से आने का ट्रेवल का, या फिर वो विद इन 14 डेज अगर ट्रेवल का हिस्ट्री है, तो उसमें अगर ऐसा सिम्टम है तो उसको आइसोलेशन अलग करना है, तो चांसेस है कि वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसको आइसोलेशन वार्ड में डालना है जो गवर्नमेंट का जो बना हुआ है उसमें। ऐसे तो ज़रूरत नहीं है उसमें, मतलब बच्चे को आप अगर हिस्ट्री वैसा है तो ही, नहीं तो फ्लू में और इसमें कोई अंतर नहीं है, सांस उसमें भी फूल सकता है, इसमें भी सांस फूल ना सकता है, तो आपको ये रखना है हिस्ट्री है कि नहीं ट्रेवल का। अगर ट्रेवल का हिस्ट्री है या कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री, जैसे कोई डॉक्टर है या हेल्थ पर्सनल है, पैरामेडिकल स्टाफ है जो कोरोना के पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो उसमें फिर चांसेस है, तो उनको भी फिर उस ढंग से अगर उसमें सिम्टम ऐसा मिलता है कफ, कोल्ड, रनिंग नोज का, तो उसमें कोरोना सोचना है कि हाँ इसमें हो सकता है,
जरूरी नहीं है लेकिन ये चांसेस हो सकता है इसमें। हिस्ट्री क्लोज कॉन्टैक्ट का होना चाहिए, चाहे आप ट्रेवल किए हों या फिर आप वैसे पेशेंट को डील किए हों या उसके साथ में आप समय बिताए हों, ये होना चाहिए। कोरोना का मुद्दा से थोड़ा सा हटेंगे सर, और एक आखिरी सवाल होगा कि बच्चे को जो बॉर्न बेबी हैं उनको डॉक्टर के पास कब लेकर आना चाहिए, ऐसा क्या लक्षण दिखाई देना चाहिए कोरोना के मुद्दे से हटके सर, ऐसे जन्मिन के ऐसा क्या लक्षण हो जो कि उसे तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए जनरल, एज ए जनरल न्यू बॉर्न को जब भी जैसे बच्चा जन्म या जन्म आप डे वन से बोल रहे हैं आपको, बच्चा कोई जन्म लिया नहीं रोया देर से रोया या बच्चा के जन्म लिया सांस फूलने लगा, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, बच्चा पीला पड़ रहा है, ये सब जो लक्षण है इसमें आपको डॉक्टर से इमीडिएट मिलना है आपको। और दूसरा जो इसके जो कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें से जैसे कुछ भी ऐसा सिम्टम हो, सर्दी खांसी है या फिर डायरिया है डिसेंट्री है, मतलब ये कुछ भी उसमें परेशानी ऐसा जिसमें कि बच्चे का एक्टिविटी जो नॉर्मल था वो डेविएट करने लगा, उससे नॉर्मल की तरफ कुछ भी बिहेवियर वैसा सिम्टम मिलता है तो आपको मिलना है, जो आप रोज देख रहे थे उसमें से चेंज हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है कि इसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, डेली के रूटीन से अगर डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिंपल सा है। तो हमारे साथ भागलपुर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम के मुकुल सर थे। आप भी जो है कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरतें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें।